खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत स्पोक पर्सन प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का सलाम पहुंचे। आज मैं आपको प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुख्तसर रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो और प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की अपडेट्स जो है वो आप तक जो है वो पहुंच सके। प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो 28 मई 2021 को गंदम मंडी प्रेसबिटेरियन चर्च सियालकोट में मुनक्कद हुआ। इस इजलास का आगाज़ इबादत के साथ हुआ और इस इबादत के हादी जो है वो इज्जत मां पादरी जावेद सिल्वेस्टर जनरल सेक्रेटरी प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जो इसी चर्च के पासबान हैं उन्होंने इस इबादत में रहनुमाई फरमाई। इस इबादत के आगाज़ में जो है वो एल्डर अयूब गुलाम साहब जो वाइस मॉडरेटर हैं अली जनाब एल्डर अयूब गुलाम जिनका जो वाइस मॉडरेटर हैं प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इब्तदाइया दुआ में रहनुमाई फरमाई। इसके बाद जबूर 101 जो है वो खुदावंद की हमदो सना में जो है वो गाया गया जो गीत है गीत तेरे नया दे मैं गामस रबा सना रहम तेरे दी सुनामा रबा। सारी जमात ने मिलकर खुदावंद की तारीफ में हदिया अकीदत पेश किया और इस जबूर को गाया। इसके बाद कलाम मुकद्दस की रहनुमाई के लिए जो है वो पादरी अमजद नियामत ने दुआ फरमाई और इज्जत माँ पादरी मुनीर फूल जो मॉडरेटर हैं कसूर प्रेसबिटेरी के उन्होंने खुदा का कलाम जो है वो पेश किया और इसमें उन्होंने रसूलों के अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की तलावत फरमाई जिसमें ईद पेंतिकोस्त के वक्त शागिर्द मौजूद थे और रूहुल कुद्स के वसीला से जो है वो रसालत बशारत और खिदमत का काम जो है वो रसूलों के वसीला से खुदा के पाक रूह ने किया। पादरी मुनीर फूल साहब ने चैलेंज दिया कि आज हम अपने मकसद से शायद हट गए हैं और हमें पाक रूह की रहनुमाई और उसकी मामूरी की ज़रूरत है, खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है वो हमारी सिमत को दुरुस्त करें और ताकि हम कलीसिया पाकिस्तान की मजबूती का ज़रिया और वसीला बने। और इस प्रोग्राम को जो है वो सब ने बड़ा जो है वो सराहा और बड़ी बरकत सबको जो है वो इस पैगाम के वसीला से मिली। इबादती हिस्सा इख्तिताम होने के बाद जो है वो इज्जत मां पादरी जावेद गिल्स मॉडरेटर जनरल असेंबली प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने इस इजलास का जो है वो क़यादत फरमाई और एजेंडे के मुताबिक जो है वो बिजनेस को जो है वो बिजनेस किया है। एजेंडा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले डिवोशन, फिर रोल कॉल, फिर अप्रूवल ऑफ एजेंडा, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनट सेक्रेटरी, रीडिंग एंड अप्रूवल ऑफ द प्रीवियस मिनट्स, मैटर अराइजिंग और रिपोर्ट ऑफ द मॉडरेटर, फिर एप्लीकेशन और फिर AOP और फिर क्लोजिंग प्रेयर। ये एजेंडा है इस मीटिंग का जो 28 मई 2021 को गंदम मंडी में मुनक्कद हुई है। पादरी जावेद गिल साहब ने एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मेजर जावेद रहमतुल्लाह साहब से रोल कॉल के बारे में दरियाफ्त किया, उन्होंने बताया और कोरम मुकम्मल होने के बाद मॉडरेटर जनरल असेंबली पादरी जावेद गिल साहब ने जो है हाउस को इन ऑर्डर किया और बिजनेस के लिए जो है वो काम का आगाज़ किया। सबसे पहले जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनट सेक्रेटरी के लिए कहा गया और सब ने जो है वो मेजर जावेद रहमतुल्लाह साहब का नाम जो है वो एक ने तायद की और दूसरे एक ने पेश किया और दूसरे ने तायद की और इस तरह जो है वो उनको मिनट सेक्रेटरी इस मीटिंग का भी जो है वो मुकर्रर किया गया। इसके बाद रीडिंग ऑफ द प्रीवियस मिनट्स वो मेजर जावेद रहमतुल्लाह जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने स्टेज पर आकर प्रीवियस एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के जो है वो मिनट्स पढ़ने के बाद उसको अप्रूव किया गया और फिर उस पर मैटर अराइजिंग जो है वो की गई। उसके बाद
मॉडरेटर जनरल असेंबली इज़्ज़त मां फादी जावेद गिल साहब ने जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने रावलपिंडी शॉप्स के बारे में बताया और उसके बाद फिर उन्होंने 59 निकलसन रोड जो शॉप है उसके बारे में ज़िक्र किया, फिर चकवाल चर्च के बारे में बताया गया और इस तरह उन्होंने फिर यूसीएच के बारे में जो है वो बातचीत की और रिपोर्ट पेश की। सब ने, पूरे हाउस ने मुत्तफिका तौर पर मॉडरेटर जनरल असेंबली पादी जावेद गिल साहब की क़ियादत पर इत्माद का इजहार करते हुए इन तमाम रिपोर्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट किया और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद पादरी अमजद नियामत भी तशरीफ लाए स्टेज पर और उन्होंने गुज़श्ता एक मीटिंग में एक नुक्ते पर इतराज़ उठा था उसके बारे में आगाह किया कि वो गलत फहमी की बुनियाद पर जो है वो बात की गई थी और माजरत की पादरी अमजद नियामत ने उस इशू पर, और सारे हाउस ने पादरी अमजद नियामत के इस रवैये को अप्रिशिएट किया और फिर पादरी अमजद नियामत ने मॉडरेटर जनरल असेंबली के पर इत्माद का इजहार करते हुए उनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि पूरा हाउस प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो पादरी जावेद गिल साहब की क्यादत में मुतहद है और उन पर इत्माद करते हैं। इसके बाद जो है वो एनी अदर बिजनेस में जो है वो GTS और UCH रावलपिंडी शॉप्स और दीगर कुछ इश्यूज पर जो है वो बात की गई। गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के मौजू पर जो है वो इज़्ज़त मआब पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल साहब को स्टेज पर बुलाया गया और उन्होंने GTS के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया, जिस पर हाउस के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, आरा दी और रेजोल्यूशंस किए और मॉडरेटर जनरल असेंबली को ये इख्तियार दिया गया कि वो GTS में गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए दोनों फ्राकीन के दरमियान सुलह और सलामती को कायम करने के लिए अपना रोल अदा करें और डॉक्टर मकसूद कामिल साहब के साथ मुकम्मल यकजहती का जो है वो इजहार किया गया। पूरे हाउस ने इस बात का अयादा किया कि हम डॉक्टर मकसूद कामिल साहब के साथ हैं और उनको कभी तन्हा ना छोड़ेंगे और उनके साथ हैं और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ हाउस ने पादरी जावेद गिल साहब से दरख्वास्त की कि वो दोनों फ्राकीन के साथ मिल बैठ कर सुलह सलामती के लिए काम करें ताकि गुजरांवाला थियोलॉजिकल असेंबली का इशू जो है वो हल हो सके। इसी तरह प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान भी किसी 2018 में जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ और इसके बारे में पादरी जावेद गिल साहब ने जो है वो एक ब्रीफ रिपोर्ट भी दी कि दूसरे ग्रुप में जो डॉक्टर मजीद एबल साहब जिसके मॉडरेटर हैं, 27 मई को उनकी एग्जेक्टिव की मीटिंग हुई और उसमें सुलह सलामती के बारे में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि पादरी मजीद एबल साहब ने कहा है कि एक कमेटी पहले से तश्कील दी गई है, अगर दूसरी तरफ से यानी हमारी तरफ से अफसरान जो हैं वो बातचीत के लिए आएंगे तो बैठकर जो है वो सुलह सलामती के लिए गुफ्तगू की जाएगी। तो पादरी जावेद गिल साहब ने ये रिपोर्ट पेश करने के बाद फिर हाउस ने उनको ही ये जिम्मेदारी दी कि वो भी दूसरे ग्रुप के जिम्मेदारान अफसरान के साथ मिलकर प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो वक्ती तौर पर डिवीज़न है इसको ख़त्म किया जाए और सुलह और सलामती को कायम किया जाए। और पूरे हाउस ने जो है वो पादरी जावेद गिल साहब की क़ियादत पर यकीन, इत्माद, भरोसे का इजहार किया और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो है वो के दरमियान सुलह सलामती को फ़रोग देने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मैं इस वक्त जो है वो स्पोक पर्सन प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं जो है वो सुलह सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू और अपनी
ذاتی رائے بھی دوں گا, لیکن اس وقت جو مجھے ماڈریٹر جنرل اسمبلی نے جو ہے فرمایا ہے, میں ایک رپورٹ جو ہے وہ ایک پیش کر رہا ہوں. لیکن میری یہ رائے ہے, خواہش ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ صلح سلامتی کے لیے جو ہے وہ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں, تاکہ یہ بڑا چرچ مل کر جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ انجیل کی منادی اور پاکستانی مسیحیوں کی خدمت میں مؤثر قدم کردار جو ہے وہ ادا کر سکے. اس کے بعد جو ہے وہ چند ایک درخواستیں پیش کی گئیں, مختلف اپلیکیشنز کو نپٹانے کے بعد جو ہے وہ چند ایک باتوں کے لیے دعا کی گئی, جس میں عزت ماں پادری ڈاکٹر مقصود کامل صاحب نے ان تمام افراد کے لیے جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور خداوت میں سو گئے ہیں, ان کے لیے دعا کی, جن میں پادری لیاقت صاحب کے والد محترم ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں. اس کے بعد بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی, جس میں پادری شریف عالم صاحب ہیں اور اس کے بعد مسز جاوید رحمت اللہ صاحبہ ہے اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں, اور اس میں عزت ماں پادری روبن قمر صاحب نے جو ہے وہ دعا میں رہنمائی فرمائی. پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کو خدا نے بے شمار برکات سے نوازا. پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے ایلڈرز اور پادری صاحبان کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. سو ان سارے کاموں کا ذکر کرنے کے بعد عزت ماں پادری شہراز شریف عالم صاحب نے جو ہے وہ شکر گزاری کی دعا کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پادری امجد نعمت نے کھانے کے لیے دعا کی اور کندم منڈی چرچ کے سیشن کے لیے اور ان کے مقامی پاسبان عزت ماں پادری جاوید سلویسٹر صاحب کے لیے دعا کی, اور آخر میں جو ہے عزت ماں پادری جاوید گل صاحب نے جو ہے وہ کل دعائے ربانی اور کلمات برکت سے سارے ہاؤس کو جو ہے وہ رخصت کیا. یہاں پر ایک خاص اہم بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے جو ہے پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان جو ہے دعا اور روزہ کا دن مقرر کیا گیا ہے. ہر مہینے کے پہلے جمعے کے روز شام 7 بجے جو ہے دعائیہ میٹنگ ہوگی, اور آج جو ہے وہ اس کی پہلی میٹنگ جو ہے اس کی رہنمائی جو ہے وہ عزت ماں پادری جاوید سلویسٹر جو جنرل سیکرٹری ہیں پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے گندم منڈی پریسبیٹرین چرچ اپنے چرچ میں شام 7 بجے اس عبادت میں ہادی اور رہنمائی فرمائیں گے. نوٹ فرما لیجئے, ہر مہینے کے پہلے جمعے دعا اور روزہ پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان نے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے, اور ہم سب مل کر اس کو آبزرو کریں گے, روزہ رکھیں گے, دعا کریں گے, اور شام 7 بجے جو ہے پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے تمام پاسبان جن کا ایک روسٹر بنے گا, اور ہر پاسبان جو ہے ہر مہینے کے پہلے جمعے جو ہے وہ اپنے ہی چرچ میں فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ لائیو فیس بک کے ذریعے جو ہے عبادت کریں گے. آپ سب کو جو ہے وہ درخواست کی جاتی ہے کہ ضرور جو ہے وہ اس دعائیہ عبادت میں شریک ہوں, روزہ رکھیں. اس کا مقصد جو ہے وہ کلیسیا پاکستان کے اندر اتحاد ہو, کلیسیا پاکستان کو خدا جو ہے وہ اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرے. پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے اداروں کو, پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کو خدا یونائٹ کرے, اور ملک کے اندر دیگر جو چرچز ہیں رومن کیتھولک چرچ, پریسبیٹرین چرچ, چرچ آف پاکستان اور سالویشن آرمی اور پینٹیکاسٹل کیرسمیٹک چرچز دیگر اداروں کے لیے ان کے لیے ہم دعا کریں گے, ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے, علاقائی, ملکی اور عالمگیر کلیسیا کے لیے ہم دعا کریں گے, مسیحی دنیا کے اتحاد کے لیے ہم دعا کریں گے. سو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے, اور ہم اسی طرح جو ہے وہ ہر پریسبیٹرین چرچ کے جو ہے وہ اپڈیٹس اور نیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. مختلف اور موضوعات پر, خدا کے کلام کے مختلف سبجیکٹ پر منادی کے لیے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی جاتی ہے آپ کی خدمت کے لیے. سو آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر میں درخواست کرنا چاہتا ہوں, آج مہینے کا پہلا فرائیڈے ہے, سو آج شام 7 بجے پادری جاوید سلویسٹر جو ہے وہ
इबादत के हादी और रहनुमा होंगे, सो ज़रूर फेसबुक पर जो है वो हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर खुदा की बरकात को एक दूसरे के साथ शेयर करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।